एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल वन टू वन क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी के आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और बिजनेस एनवायरनमेंट के शानदार जानदार लाजवाब फीचर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अब मैं बात करूंगा बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बात उसकी करेंगे, केस स्टडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा बार इसका केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। तो बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आता है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से हमारा जो डिसीजन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत कॉन्क्रीट डिसीजन हो जाता है और हम लोग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत कंपटीशन हमें पता है, लेकिन उस कंपटीशन के बीच में भी कहां पे अपॉर्चुनिटी है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर मैंने उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर लिया या मुझे लगा कि इस सेगमेंट के अंदर इस टाइप के प्रोडक्ट की नीड है और अब तक ये प्रोडक्ट कोई नहीं लेके आया और मैं ले आता हूं तो आई विल गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मैं जीत सकता हूं और मैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज को देख सकता हूं। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल लेता हूं उसका, बहुत छोटा सा। फिलिप्स कंपनी का नाम आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं, फिलिप्स बहुत इनोवेटिव कंपनी है ऑलरेडी। फिलिप्स ने आज से कुछ साल पहले एयर फ्रायर एक कंसेप्ट लॉन्च करा जिसमें बहुत ही कम ऑयल के साथ हम फ्राइड आइटम्स को यूज कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, यूज बेसिकली खा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंसेप्ट बिल्कुल इनोवेटिव था, कंसेप्ट बिल्कुल न्यू था और अब तक ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आया था। कंपनी ने पेटेंट कराया और कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला और नो डाउट फिलिप्स ने बहुत अच्छे से उस प्रोडक्ट को एनकैश करा और उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट थे या जितने भी कंपनी से जिन्होंने एयर फ्रायर बनाया उन सभी को लाइसेंस लेने की नीड थी किसके साथ, फिलिप्स के साथ, क्योंकि पेटेंट किसके पास है, फिलिप्स के पास है। दोस्तों दैट इज द फर्स्ट मोर एडवांटेज। कुछ नया करोगे, कुछ डिफरेंट करोगे तो हमेशा 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 ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों ध्यान रखे चलेगा। और नया करने के लिए सबसे पहले किसकी नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस एनवायरमेंट की। दोस्तों बिना बिजनेस एनवायरमेंट की नॉलेज लिए हम लोग कभी जीत नहीं सकते, ध्यान रखे चलेंगे। दूसरा पॉइंट आता है जिसका नाम है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं भविष्य में होने वाले नुकसानों को पहले से ही आइडेंटिफाई कर लूं तभी मैं अपने आप को बहुत बड़े बड़े नुकसान से बचा सकता हूं। इसका मतलब आपको पहले से सोच के चलना है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है भविष्य में और उनसे कैसे आपको बचाना है, आपको सोच के चलना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं बहुत बढ़िया वाला, ठीक है। जब रिलायंस जियो ने बहुत साल तक या स्टार्टिंग ईयर्स के अंदर फ्री में इंटरनेट सेवाएं दी सबको, फ्री में इंटरनेट, अरे भाई सबको मिल रहा है इंटरनेट, मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, एक एक साल तक दिया, तो एयरटेल काफी हद तक हिल चुकी थी। कंपनी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी कि भाई क्या करे क्या करे क्या करे। जो कंपनी 250 रुपए 300 रुपए पर जीबी के हिसाब से, 250-350 रुपीज पर जीबी के हिसाब से डेटा चार्ज कर रही थी, अब वही डेटा दिन का 1 जीबी 2 जीबी रिलायंस जियो फ्री में दे रहा था सबको कि लूटो भाई लूटो कोई दिक्कत नहीं, एयरटेल घबरा गई, क्या करें क्या करें क्या करें। जियो को कंपीट करने के लिए एयरटेल ने भी स्ट्रैटेजी बनाई कि हमें अपने कस्टमर बेस को मेंटेन करने के लिए, कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए हमें अपने नेट पैक के प्राइसेस को घटाना पड़ेगा, जियो के मुकाबले में लाना पड़ेगा। जैसे जियो एक महीने में 100-150-200 रुपए के अंदर 28 डेज में जीबी डेटा दे रही है, 56 जीबी डेटा दे रही है या जो भी है 28 दिन के हिसाब से पर जीबी, 2 जीबी पर डे या 3 जीबी पर डे जो भी डेटा ऑफर दे रही है, हमें उसको कंपीट करना पड़ेगा। और अगर कंपीट नहीं कर पाते तो हमारा तो वर्चस्व, हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, लोग एयरटेल को छोड़ देंगे हमेशा के लिए। उसके माइंड में ये बात आ चुकी थी, उसने इस बात को आइडेंटिफाई करा और अपने आप को मॉडरेट कर लिया इस बिजनेस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव था। इसलिए आज के टाइम में भी एयरटेल एग्जिस्ट करता है और मुझे लगता है शायद जियो को नेक टू नेक फाइट देने वाला सिर्फ एयरटेल ही है। ये है दोस्तों, पहले से अगर आप थ्रेट्स को पहचान जाते हो और अर्ली वार्निंग सिग्नल पहले से समझ जाते हो कि भैया ये इंसान ही मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे इससे फाइट करना है और इससे फाइट करना इतना आसान नहीं है, इससे फाइट करने के लिए इसके लेवल तक गिरना पड़ेगा तभी आप मार्केट में एग्जिस्ट कर पाओगे, नहीं तो आपका नाम और अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखे चलेंगे, कंपटीशन में कोई किसी का नहीं होता, ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। देखिए बिजनेस एनवायरमेंट आपको पहले ही बता देता है कि कौन कौन से यूजफुल रिसोर्सेज हैं एनवायरमेंट के अंदर, आप उसे पहले से टैप कर सकते हो, पहले से यूटिलाइज कर लेते हो तो आपका फायदा होगा ही होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान के चलते हैं एक प्रोडक्शन फर्म, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसे पता चला कि आगे आने वाले महीने में सीमेंट के रेट, कंस्ट्रक्शन कंपनी को सीमेंट तो चाहिए ना, ऑब्वियस ही बात है, उसको पता चला कि सीमेंट के रेट जो है वो 30-40-50 रुपीस पर बैग बढ़ने वाले हैं, उसने पहले ही मंगा लिया।
उसने जितना उसको एक साल के लिए चाहिए उतना पहले ऑर्डर कर लिया। ऐसा करने से उसने अपनी कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ने से रोक लिया, नहीं तो भैया उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती, 30-40 रुपए पर बैग कम नहीं होता भाई, मार्जिन में बहुत डिक्लाइन आ जाता उसकी। उसने पहले से यूज फुल रिसोर्सेज को टैप कर लिया, इकट्ठा कर लिया पहले से। ऐसा उसको किसने गाइड करा? बिजनेस एनवायरमेंट ने बताया कि बेटा सीमेंट का कट्टा बहुत महंगा होने वाला है, आज ही खरीद ले, आज ही खरीद ले, आज ही खरीद ले। उसने खरीद लिया पूरे साल का इकट्ठा, फायदे में रहा या नहीं रहा? तो बिजनेस एनवायरमेंट आपको पहले से ही आइडेंटिफाई करा देता है कि क्या क्या रिसोर्सेज मार्केट में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और किस किसके रेट में चेंज आने वाला है, या क्या क्या रिसोर्सेज वैनिश हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं। पहले से कलेक्ट करके चलो ताकि आपको नुकसान ना हो दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। अगला आता है जिसका नाम है हेल्प इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरमेंट बहुत डायनामिक है, लेकिन डायनामिक होने के साथ साथ ही आपको भी डायनामिक बनाता है और आपको गाइड करता है कि कैसे आप मार्केट में आ रहे हर एक चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग मॉडरेट या चेंज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कस्टमाइजेशन, ठीक है। कस्टमाइजेशन का मतलब है मार्केट में आजकल कस्टमाइजेशन का बहुत ट्रेंड है कि आप हर चीज अपने हिसाब से करा सकते हो। आपको टी शर्ट चाहिए, कस्टमाइज करा लो। आपको चॉकलेट चाहिए, कस्टमाइज करा लो। आपको आइसक्रीम चाहिए, कस्टमाइज करा लो। हर चीज को कस्टमाइज करने का बहुत 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 ज्यादा ट्रेंड है दोस्तों, ताकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन हो पाए। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए हर चीजों में कस्टमाइजेशन अलाउड करा गया, ठीक है। तो जो कंपनी कस्टमाइजेशन कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रही है वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकती। ये कस्टमाइजेशन ही तो है कि कैडबरी ने पान फ्लेवर चॉकलेट, अंजीर फ्लेवर चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या फ्लेवर की चॉकलेट मार्केट में लॉन्च करी, क्योंकि लोगों को चाहिए थी उसने लॉन्च कर दी, लोग चाह रहे थे कि ऐसी चॉकलेट आए इसलिए मार्केट में चॉकलेट आ गई। सो व्हाट्स अ बिग डील, हो सकता है भाई, क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो ठीक है, जैसा चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में आपको उसमें सर्वाइव करना है तो मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज तो होना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। लिखा गया है टुडेज बिजनेस एनवायरमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनामिक वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अ वेरी फास्ट पेस, देयरफॉर टू कोप अप विद द रैपिड चेंजेस इट इज बिकम नेसेसरी फॉर द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को समझो, चेंजेस को अप्लाई करो, एग्जिस्ट करो, नहीं तो मार्केट से रफा दफा हो जाओ, आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। तो दोज हु कांट बी डायनामिक कांट सर्वाइव इन द मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जिसका नाम है हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आपको भविष्य के लिए प्लानिंग करनी है, पॉलिसी बनानी है कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं कैसा करूंगा, पता नहीं कैसा कैसा करूंगा, ठीक है। बनाने से पहले सबसे पहले क्या करो, बिजनेस एनवायरमेंट को पढ़ो। बिना बिजनेस एनवायरमेंट को पढ़े प्लानिंग नहीं होती भाई। प्लानिंग करने से पहले बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करो कि बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, कैसा चल रहा है, उसका रिएक्शन क्या क्या हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करके चलोगे तो सक्सेस के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है दोस्तों, ज्यादा है दोस्तों, ज्यादा है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। तो प्लानिंग करने से पहले, पॉलिसी बनाने से पहले सबसे पहले स्टडी करो किसको, बिजनेस एनवायरमेंट को। स्टडी करो कॉम्पिटिटर्स को, स्टडी करो इन्वेस्टर्स को, स्टडी करो पॉलिटिकल बिहेवियर को, स्टडी करो इकोनॉमिकल बिहेवियर को, स्टडी करो लीगल बिहेवियर को, हर चीज को स्टडी करो फिर फैसला करो, ज्यादा फायदा होगा आपको, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। और लास्ट पॉइंट आता है हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर आप बिजनेस एनवायरमेंट को बहुत सीरियसली लेके चलते हैं और हर चीज अपनी बिजनेस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं लाइफ के अंदर, तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और आपका जो प्रॉफिट अर्निंग है दोस्तों वो साल के साथ साथ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल लेता हूँ उसको, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है हमारी टाटा इंडिया की शान जान, टाटा महिंद्रा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ आपको। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 5-6 सालों में जब से टाटा महिंद्रा ने मार्केट को स्टडी करके, इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी करके इंटरनेशनल डिजाइंस यूज करने शुरू करे अपने व्हीकल्स में, वो कर्व वो मस्कुलर लुक अपने व्हीकल्स में लाना शुरू करा है, डे बाय डे इनकी सेल्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। टाटा ने अपनी रेंज रोवर की डिस्कवरी हो या जो भी गाड़ियाँ रेंज रोवर की बनाती हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी बनाती है रेंज रोवर, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा 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 अपने टाटा की हैरियर, टाटा की नेक्सॉन जो गाड़ियां आती है टाटा, उसमें हल्के हल्के ढालना शुरू करा और मार्केट में एकदम से सेल्स में बूम आ गया टाटा की। और आज मुझे लगता है टाटा बहुत अच्छी सेल्स अचीव कर चुका है। और महिंद्रा की गाड़ियों का तो वैसे भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, थार हो चाहे एक्सयूवी 700 हो चाहे स्कॉर्पियो, सबकी सेल्स टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये हुई बात ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की। अगर आप बिजनेस एनवायरमेंट को पढ़ के चलेंगे कि लोगों को क्या चाहिए, उसने पूरे बिजनेस एनवायरमेंट, पूरे वर्ल्ड के बिजनेस एनवायरमेंट को रीड करा, समझा सब कस्टमर को क्या चाहिए, अमेरिका वालों को ये चाहिए ऐसा बनाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया वालों को ये चाहिए ऐसा बनाऊंगा, इंडिया वालों को ये चाहिए मजबूती, इंडिया वालों चाहिए सेफ्टी, चाहिए इंडिया वालों को सेफ्टी वाला प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया की सड़कों पे अच्छा चल रहा है
तो फॉरेन की सड़कों पे तो भाई वो धूम मचाएगा यार, ऑब्वियस ये बात है। जो इंडिया की सड़कों पे बढ़िया चल रहा है, सोचो फॉरेन में तो वो धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। इसलिए आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है अगर आप स्टडी करके चलते हैं इसको, बिजनेस एनवायरमेंट को दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। ये थे हमारे बिजनेस एनवायरमेंट की 6 लाजवाब इंपॉर्टेंस दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। एग्जाम्पल सहित मुझे लगता है आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होगी, ध्यान रखे चलेंगे हमेशा। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं पूरी 5 dimensions, पूरी 5, ये 5 dimensions जो कि बिजनेस एनवायरमेंट की बहुत बुरी तरीके से बैंड बजाती है, क्या करें, इनको पढ़ के चलना पड़ता है। ये चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे लीगल हो, चाहे सोशल हो, सबको पढ़ के चलना पड़ता है। देखेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड टू योर ऑन यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस दोस्तों।